आसिया तेरे कातिल जिंदा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हम डिबेट कर रहे हैं कठुआ में जो हालिया दिनों में एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ एक मासूम बच्ची के साथ, जिसने दुनिया का दिल दहलाया है। ये बात सिर्फ हमारी स्टेट में इस वक्त नहीं हो रही है इस क्राइम में, बल्कि पूरी वर्ल्ड में इसकी गूंज है। यूनाइटेड नेशंस हो, चाइना हो, उन्होंने इस वाकये पे अपनी राय इजहार की है और कहा है कि विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए और जो इस क्राइम के परपेट्रेटर्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंडिया के कई शहरों में भी और दुनिया के दूसरे शहरों में भी इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठी है और इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने अपनी राय रखी है कि इस क्राइम के को बुनियाद बना के वुमेन को जस्टिस इंश्योर होना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक इमिनेंट पैनल मौजूद है। हमारे साथ इनाम नबी साहब है जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है और अहम इशूज़ पे अपनी राय रखते हैं टीवी पे भी और न्यूज़पेपर्स पे भी। मुश्ताक हक सिकंदर साहब है जो एमिनेंट राइटर है, एक्टिविस्ट है जेंडर जस्टिस और ये भी अहम इशूज़ पे अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब है जिन्होंने जेके में आरटीआई मूवमेंट की बुनियाद डाली है और उस वक्त आरटीआई और दूसरे बर्निंग इशूज़ को लेकर समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं और जो सीरियस इशूज़ हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। वही पहली वॉइस थी जिन्होंने लगभग कठुआ में जब ये साइन हुआ तो लगभग 24 जनवरी को इसके खिलाफ पहला प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ मंतशा बिंत रशीद हैं जो ऑफिशियल भी है लेकिन उसके साथ साथ एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी है जिन्होंने KWC नाम से यहाँ पे वुमेन ग्रुप स्टार्ट किया है और वो भी वुमेन्स के इशू उठा रही है। हमारे साथ बिलाल बशीर भट्ट साहब है जो कि ओनली कश्मीर न्यूज़ पोर्टल के एडिटर इन चीफ है और ऑनलाइन जर्नलिज्म में काफ़ी काम करते हैं। इनाम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा, कितना कारगर समझते हैं आप कश्मीर की सिविल सोसाइटी रही है कठुआ या कठुआ जैसे इश्यूज को उठाने में? जी रवि साहब, 10 जनवरी को ये शर्मनाक और अफसोसनाक वाका जब हमें खबर मिली 16 जनवरी को उसकी डेड बॉडी एक जंगल से मिली और 23 जनवरी को चीफ मिनिस्टर की तरफ से रिएक्शन मिली। पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट की भी कोताही रही है इसको हैंडल करने में। अगर 10 तारीख को ये बच्ची सिंह हुई, 2 दिन तक FIR रजिस्टर ही नहीं हुआ था। ये 12 जनवरी को इनका FIR रजिस्टर किया गया, उसके बाद भी जो जो वहाँ पर इंसाफ मांगने जाता था उनको सलाखों के पीछे वो बंद रखते थे, जिसके खिलाफ हमने फिर लास्ट में एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटिशन भी की है, उसके खिलाफ एहतजाज भी किए। तो उसकी बॉडी मिलने के बाद जब 23 जनवरी को चीफ मिनिस्टर की तरफ से रिएक्शन मिली जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, लेकिन ठीक उसके बाद ही हमने देखा कि कठुआ में किस तरह एक नाम नेहाद तंजीम उभर कर सामने आई हिंदू एकता मंच के नाम से और किस तरह उन्होंने उसमें मजहबी और सियासी रंग झेला और साथ में उन्होंने न सिर्फ BJP कांग्रेस और भी जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर से लोकल लेवल के पंचायत और बाकी एडजॉइनिंग एरियाज के उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार करके एक मुनज़्ज़म तरीके से इस एक्यूज़्ड को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके ही सवाल को आगे बढ़ाते हैं मुश्ताक साहब, कितना क्रिमिनलाइज हो चुकी है हमारे स्टेट की सिचुएशन इस क्राइम के बाद आपके ख्याल में? देखिए, आपको देखना पड़ेगा ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया एज वेल एज पेट्रियार्की और मिसोजाइनी जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, तो जिसमें हम वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाते हैं टू ह्यूमिलेट द अदर। ये जो अदरिंग हो रही है और पॉपुलिज्म जो पूरी दुनिया में अभी राइज हो रहा है, जिसमें कि हिंदुस्तान और साउथ एशिया में भी ये ट्रेंड आगे आ चुकी है 2014 के इलेक्शन के बाद, तो उसी ट्रेंड का एक नतीजा यहाँ पर भी है कि आपने देखा कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और कोएलिशन गवर्नमेंट जो यहाँ पर बनी है उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो उसी का एक नतीजा ये है कि कम्युनलाइज और पोलराइजेशन तो खासकर जम्मू में पूरी तरीके से हो चुकी है और इस का बैकग्राउंड भी जो है इस रेप एंड मर्डर केस का, उसमें भी यही अमल कार फरमा है।
कि एक माइनॉरिटी को ह्यूमिलेट करने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए ये सारा जो है इंसिडेंट इसको रचा गया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया। डॉक्टर साहब, हालांकि आप पहली लगभग वॉइस थी आपके ऑर्गेनाइजेशन, गैल्वनाइज किया आपने पब्लिक ओपिनियन को कि रेज होना चाहिए इस इवेंट के, इस जघन्य एपिसोड के खिलाफ, ब्रूटल एपिसोड के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन एक इल्जाम लगता है कश्मीर की सिविल सोसाइटी को कि लेट होती है इश्यूज को उठाने में, आप किस हद तक मुतफिक है? देखिए, जो एक हकीकत है, एक कड़वी हकीकत है, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो चाहे सन 47 से करें, कश्मीरी सिविल सोसाइटी कभी भी जम्मू के कश्मीरी मुस्लिम्स को या अदर मुस्लिम्स को अपना हिस्सा तसव्वुर ही नहीं करते। और ये अब बात बहुत आगे बढ़ी है, और पहाड़ के उस पार सब लोगों को गुजर बोलते हैं, और गुजर एज कम्युनिटी को एज ह्यूमिलेटिंग वर्ड यूज किया जाता है। चूंकि सब लोग जानते हैं कि मैं आरटीए के जरिए वाबिस्ता हूं, बट आप कुछ लोगों को पता है कि मैं एनवायरमेंटल एक्टिविज्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं और मेरा काम पहाड़ों में रहता है। ये एक साजिश थी, इसको पॉलिटिक्स से या कम्युनल पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका एक दूसरा डायमेंशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास हुआ, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, और उसको कश्मीर तक लागू करने में एक दिक्कत है, क्योंकि हमारे जंगलों में रहने वाली कम्युनिटी जो है वो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी है, और चूंकि जम्मू के जो इंतहा पसंद है, जो जम्मू में मुसलमान नाम से किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिन्होंने सन 47 में जिनकी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने मास मर्डर्स किए हैं और उसके बाद जो कम्युनल वायलेंसेस किए हैं उसकी भी तारीख गवाह है, तो उसमें उनको लगता है कि अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सटेंड होता है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की एडवोकेसी मजबूती पकड़कर ये सरकार को पास करना पड़ा, जिस तरह अदर एक्ट्स पब्लिक डिमांड पे उनको पास करने पड़े, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन जंगलों का मालिकाना हुकूक गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के पास रहेगा, और अगर चूंकि उनके पास वो रह गया तो जो अभी जो सरकार जम्मू कश्मीर में है या पूरे हिंदुस्तान में है ये प्रो कॉर्पोरेट सरकार है, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका इख्तियार सरकार से निकलकर इन कम्युनिटीज के पास चला जाएगा, और ये मेन वजह है कॉर्पोरेट से प्रवोक करते हुए इस सरकार ने, सरकार के कारिंदों ने इस काम को इसलिए अंजाम दिया ताकि ये कम्युनिटी खौफजदा हो, ये इन जंगलों को छोड़कर चले जाए। इसकी मिसाल इससे पहले भी है, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर इस हिंदू एकता मंच को सपोर्ट करने वहां फिजिकली गए हैं, उनकी मिसाल ऑलरेडी है, वो जंगलों में रहने वाले गुजरों को वहां से निकालने की कोशिश में पहले ही लगे थे। डॉक्टर साहब, आपका ही सवाल आगे बढ़ाते हैं। मंतशा जी, आप को फेमिनिस्ट वॉइस भी जाना जाता है, एक इल्जाम लगता है फेसबुक पे भी और ग्राउंड पे भी कि जो ये जो हमारे फेमिनिस्ट है ये तो स्टेट का नैरेटिव पकड़ते हैं, जो इनको स्टेट डिस्कोर्स देता है उन्हीं एपिसोड्स को ये हाईलाइट करेंगे, और भी जो ग्रास रूट के मामला है उनको ये जल्दी से नहीं पकड़ेंगे, कहते हैं क्वेश्चन क्रिटिसिज्म से ही निकलना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? रवि, शुक्रिया मुझे इस डिस्कशन में बुलाने के लिए। जहाँ से आपने शुरू किया क्रिटिसिज्म से, तो मेरे ख्याल से ये क्रिटिसिज्म जो है अनवांटेड है, कहीं पे नलका टूट जाए तो फेमिनिस्ट आगे आगे नहीं आएंगे, या किसी का रेप हो जाए तो किसी औरत का या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती होना ये सिर्फ एक फेमिनिस्ट इशू नहीं है, ये एक ह्यूमनिस्ट इशू है, और जितनी जिम्मेदारी एक फेमिनिस्ट की है कि इस बात इस चीज को लेकर आवाज उठाए, उतनी ही आम लोगों की है, सबकी जिम्मेदारी है किसी चीज को कन्फाइन करना कि एक फेमिनिस्ट इशू है, ये मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि एक सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फेमिनिज्म क्या है। खैर, ये डिस्कशन अलग एक तरफ, और दूसरी बात ये है कि जो ये इशू है ये सिर्फ एक फेमिनिस्ट इशू नहीं है, ये जाती है एक बच्चे के साथ, यानी कि ये चाइल्ड अब्यूज है, ये जाती है जेंडर बेस्ड अब्यूज की, ये एक एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग है, ये एक हेट क्राइम है जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ किया गया, जिसका लार्ज मोटिव जो था वो रिलीजियसली और पोलिटिकली मोटिवेटेड था,
लैंड ग्रैब करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो बकरवाल है, नोमैडिक कम्युनिटी है, उनका लैंड लेने के लिए था. और जब तक जो ये प्रोपेटेटर्स थे उनको पॉलिटिकल पेट्रनेज नहीं थी, तब तक ये इतना स्विफ्टली प्लान नहीं हो सकता था. ये एक रिलीजियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम है, जिसको मैं हेट क्राइम कहती हूँ, जो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट था. और ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए. और जैसा कि मैंने कहा, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्राइम भी है, एक बच्चे के खिलाफ भी है. और हमारी स्टेट में मेरे ख्याल से, बीइंग अ फेमिनिस्ट, एक सपोर्ट ग्रुप को चलाते हुए कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव जिसका नाम है, हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि इस स्टेट में एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ हो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज के खिलाफ. फॉस्को जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर. क्यों फॉस्को यहाँ एप्लीकेबल नहीं है? क्यों हमारे पास हमारे बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है? तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि फॉस्को को लाया जाए. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी महीने में इन तीन स्टेट्स में अगर कोई प्रिपेटेटर हो जो रेपिस्ट हो और वो माइनर भी हो, उसको भी कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड करने का फैसला लिया है, जो कि अभी सीएम साहिबा ने कहा कि यहाँ पर भी लाया जाएगा. इन चीज़ों को आपको देखना है कि सिर्फ एक केस नहीं है रेप का. Horrendous rapes are committed every day, and not just by strangers, but also inside families. Hamara network aise rapes ko dekhta hai. Koi support network nahi hai on ground for women who suffer from violence on an everyday basis. To zarurat is cheez ki hai, a comprehensive policy ho, uski proper implementation ho, aur civil society aur state saath mein cooperate karke in crimes ke khilaf khade ho jaye, na ki in opposition. Mere saath journalist Bilal bhi, aapke kuch questions hai. मेरा पहला क्वेश्चन है मिस्टर इनाम के लिए. इनाम साहब, क्या आपको लगता है कि इस मामले में इंसान इससे ज़्यादा सियासत का पल्ला भारी रहा? बिल्कुल, मैं ये जब से ये वाक़ा हुआ है, पेश आया है, तब से तो हम कहते आए हैं. मैं लास्ट ईयर, आपको याद होगा कि सांबा में जब एक बच्चे पर गोली चली, वो भी तो ज़मीन का ही मसला था. तो वो बेसिकली इनकी ज़मीन हड़प करना चाहते हैं, एनक्रोच करना चाहते हैं. उनकी प्राइम लोकेशन पर लैंड है मुसलमानों की. मैं ये गुजर बाकी चीज़ें वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा. उनकी ज़मीन जो है प्राइम लोकेशंस पर है. वो चाहते हैं कि वो ज़मीन छोड़कर चले जाए. उन्होंने लास्ट ईयर एक अटैम्प्ट किया था, एक बच्चे को ज़ख्मी किया था, जिसको मैंने अपने खर्चे पर फिर जम्मू से उठाकर यहाँ लाया था, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था गोली लगने के बाद भी. और एक मोहम्मद याकूब की, उस बेचारे की डेथ हुई. अगर उसमें हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस रहती, उसमें कोई एक्शन लेते, शायद कठुआ जो केस हुआ आसिफा का, वो नहीं हुआ होता. लेकिन उसमें तो उन्होंने लातोलाल से काम लिया. उसमें उन्होंने बीजेपी के सामने वो स्कम हो गई पीडीपी गवर्नमेंट. और जब आज आसिफा का केस हुआ, वो भी एक साजिश थी कि मुसलमानों को दबाया जाए. आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मौत के बाद अगर आप आसिफा का रिपोर्ट पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े होते हैं. उसमें लिखा है कि उनकी जो ये हड्डियाँ थी वो टूटी हुई थी, बॉडी जली हुई थी, शी वॉज गैंग रेप्ड, और फिर दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली. इसी से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या आज नारे दे रहे वहाँ पर, जस्टिस फॉर आसिफा. उन्होंने तो उनको ज़मीन नहीं दी दफनाने के लिए. उन्होंने तो इंसानी की, वो तो इंसान कहलाने के हक ही नहीं रखते. फिर आपने देखा कि किस तरह प्रो रेपिस्ट रैलियां हुई, वकलाओं ने उसमें शमूलियत इख्तियार की. हम हैरानगी से ये कह रहे हैं कि हुआ क्या है आज की इंसानियत को, कहां गई है उनकी इंसानियत. और जिस तरह वो इन चीज़ों में भी कामयाब नहीं रहेंगे. लेकिन जो आपका सवाल था कि उससे, उसका जवाब यही है कि मरने के बाद भी, आसिफा के मरने के बाद भी आसिफा को 8 किलोमीटर दूर दफनाया गया. आप अंदाज़ा लगा सकते कि उनकी इंसानियत कहां की दम रखती है. मेरा सवाल आपसे है कि आप तो देखते रहते हैं, दूसरे ग्रुप्स को भी मिलाते हैं जेके आरटीआई मूवमेंट के साथ, इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई जाए. और भी एक इल्ज़ाम लगता है सिविल सोसाइटी में, जिसका आप भी एक फर्द है, कि जिस चीज़ में न्यूज़ वैल्यू है फिर उसी चीज़ के पीछे घुसते हैं, जिसमें न्यूज़ वैल्यू नहीं है उन चीज़ों को नहीं लेते हैं. आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जब ये दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया, तो एट लार्ज कश्मीर की सिविल सोसाइटी वो खामोश थी. जी बिल्कुल, मुझे याद. और हम लोग, और जैसे मुश्ताक यहाँ बैठे हुए हैं, बिलाल भी हैं, हमने इन सबको कॉल किया कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये एक, इनके बजाय एक हिंदू लड़की होती, हम तब भी करते. क्योंकि ये इंसानियत का मसला था सबसे पहले हमारे लिए. ये एक इंसानियत का मसला था, और इस चीज को रोकना हमारे लिए एक
فرض بنتا ہے, کیونکہ یہ ہماری اور بیٹیوں کا سوال ہے اور ہم چاہتے ہیں, اور جیسے ہم لوگوں نے ڈیمانڈ بھی رکھی ہے, ہم اس سے کڑی سزا, تاکہ ایک مثالی سزا بنے, عبرت ناک سزا بنے, اور کسی کے ذہن میں کبھی بھی ایسا خیال پلپے نہ آئے نہ. اور ایک یہ مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے دیکھا یہاں کی سول سوسائٹی یا تو ایلیٹ ہوٹلوں میں بیٹھے گی, ہم جیسے لوگوں کو وہاں ڈیٹول کے 5 لیٹر چاہیے جوتے صاف کرنے کے لیے اور تب گھسنا پڑے گا, اور پھر وہ کافی پہ چرچا کریں گے ان چیزوں کا چرچا کریں گا جن کو کل اخباروں میں سپیس ہو, اور ان چیزوں کو وہ نظر انداز کرتے ہیں, اور جب اس چیز کی نیوز ویلیو بڑھی تب انہوں نے چھلانگے مارنا شروع ہو گئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں دن میں 4-5 جگہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اور تب 10 فروری سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا, تب انہوں نے نہیں کیا, اور اس سے پہلے گجروں کے اوپر کس طرح کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں سرکار کے ذریعے اور سرکار کے ایجنٹس کے ذریعے, اور وہاں کے جو کمیونل پالیٹکس کا حصہ بننے والے, کمیونل پالیٹکس کے ہاتھوں کھلونے بننے والے لوگوں کے ذریعے جو گجروں پہ, وہاں کے مسلم آبادی پہ ظلم ہو رہے ہیں, اس کے خلاف بھی انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. اور ابھی میں بھی وہی اسی آواز کا حصہ ہوں جو الزام سول سوسائٹی کو دیتے ہیں کہ یہ تب تک کودتے نہیں ایشو میں جب تک اس کا نیوز ویلیو نہ بنے. ڈاکٹر صاحب آپ کا آگے بڑھاتے ہوئے مشتاق آپ سے ایک سوال رہے گا یہاں پہ, جیسے منتشا نے بڑی خوب سے کہا کہ کبھی آسی یہ جو اس کٹھوا کی بچی کے ساتھ ہوا ہے یہ بروٹل ہے, یہ انسانیت کو تار تار کرنے والا ایشو ہے, لیکن ایک کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا, ہم بھی ایز سوسائٹی اپنا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, ہمارے گھروں میں وومنس کی کیا حالت ہے, ہینس کرائم ہو رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو انٹروسپیکشن ہے وہ بھی اس سے کھلنا چاہیے؟ دیکھیں میں جیسے آپ سے پہلے ہی کہا یہ 3 چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, ایک رائزنگ اسلام فوبیا اور پیٹریارکی اور میسوجینی جو ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے, واٹ ایور بی اوور اوپینینز اور اسکول آف تھاٹ, لیکن ہم پیٹریارکل ہے اور ریلیجن کو اس طریقے سے ہم نے انٹرپریٹ کیا ہے, یا ریلیجن جہاں پر بیس بنتی ہے پیٹریارکی کی, وی آر فالوئنگ دیٹ تھنگ. تو ایک جینڈر جسٹ انٹرپریٹیشن جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے, اور اس والے معاملے میں it's linked to the all the rapes that have happened since 90s. آپ کنن پوشپورا کیوں بھول جاتے ہیں, آپ آسیا اور نیلوفر والے معاملے کو کیوں بھول جاتے ہیں, وندھاما ریپ کیوں بھول جاتے ہیں, تو یہ اٹس اے سیریز آف ریپس. لیکن اب یہاں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ یوتھ لیڈرس جنہوں نے ایک موومنٹ بنائی جس میں کہ وی ہیو دا ڈسٹنکشن آف بینگ دا فرسٹ پیپل کی جنہوں نے 24 جنوری کو یہاں سب سے پہلا پروٹیسٹ آرگنائز کیا, اور جبکہ اس ٹائم حریت اور باقی بھی کوئی لیڈرز اس بات پہ بول نہیں رہے تھے, بیکاز دا گرل بلانگ ٹو اے مائنورٹی سیکشن آف اے سوسائٹی, شی واز اے مسلم اینڈ شی واز فرام اے ڈفرنٹ ریجن. تو یہ 3 امپورٹنٹ ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہاں کی سول سوسائٹی ہے, یہاں کا سو کال کانشیس سیکشن جو ہے انہوں نے کوئی اس پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تو ایک موومنٹ بنی ہے, Maybe the perpetrators have been brought to the book. لیکن ابھی کورٹ اور جوڈیشل پروسیس باقی ہے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جوڈیشل پروسیس کے تھرو موسٹ آف دیز ریپ اکیوزڈ پرسن ہیو گون اسکاٹ فری. تو اس کے بعد اس کا نتیجہ اگر اس معاملے میں بھی وہی ریپیٹیشن پروسیس ہوئی کہ جوڈیشری کے تھرو انصاف نہیں ملا یا جسٹس نہیں ملا وکٹمس کو, تو دین اس سے جو الینیشن جموں مسلم یا جموں کے جو سیکشنز میں ہوگی دیٹ وڈ بی ہورینڈس, دیٹ وڈ بی ویری مچ ڈفرنٹ. آپ سے یہ سوال رہے گا, وومن بھوت بھی دیکھ رہی ہے, جیسے مشتاق نے کہا کہ جوڈیشل پروسیس سے چھوٹ بھی سکتے ہیں, یہ وہ بھی ایک خدشہ ہے, تو آپ کے گروپ کی طرف سے یا ایز اے وومن بھی کیا ڈیمانڈ رہے گی آپ کو, پوسٹر کیسے کیا جا سکتا ہے جسٹس کو اس معاملے میں؟ جی رمیز, میں اتفاق رکھتی ہوں مشتاق صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے. 24 جنوری کو سچ میں ان کا پہلا جو تھا, پہلی آواز جو تھی وہ ان کی تھی. میری بھی ان سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ کیا کشمیر ویمنز کلیکٹیو آپ کے گروپ کو جوائن کر سکتا ہے. ہم نے بھی کچھ ممبرز بھیجے اور پہلا وہ جو پروٹیسٹ ہوا پریس لین کے اندر وہ انہیں آرگنائزیشنز کا تھا, کیونکہ جب آپ ایک سوشل ایشو کو لے کر کام کرتے ہیں آپ اس میں ورامی پوائنٹس نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کیا میرا نیوز ویلیو بڑھے گا, کیا میں پولیٹیکلی ریلیونٹ ہوں یا نہیں. اگر آپ کا سچ میں آپ پیشنیٹلی اور جینیولی کسی ایشو پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ہیومن ویلیو ہے.
तो मेरे ख्याल से ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने इस केस को ह्यूमन वैल्यू समझ के पहले से इस पे काम किया। और जहां तक वुमेन्स कलेक्टिव का सवाल है, हमने दो चार चीजों के लिए हम एडवोकेट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज से या बाकी भी। आज हम अपने संडे थी, हम अपने ऑफिस में मॉर्निंग से लगे हैं कि हम एक व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करें जिसमें हम एक कॉम्प्रहेंसिव चाइल्ड सेक्सुअल पॉलिसी के बारे में बयान करे और फिर वो सीएम साहिबा को प्रेजेंट करे। क्योंकि देखिए, जो हिंदू एकता मंच का जो मोर्चा था जम्मू में, उसमें जो दोनों मिनिस्टर्स थे उनको सैक कर दिया गया है। अब चाहे वो इलेक्शन टैक्टिक है, 2019 में इलेक्शन आने वाले हैं, या एक जेन्युइन रिमोर्स के तौर पे उन्होंने रिजाइन किया है, वो बात की बात है, लेकिन ये भी एक स्टेप है टुवर्ड्स जस्टिस। साथ ही मैं ये बोलना स्टेट गवर्नमेंट का कि जो प्रपिटेटर्स है उनको हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे, दो चार चीजें हैं जो जस्टिस की तरफ बढ़ती है। लेकिन मुश्ताक का जो कहना है, उन्होंने सही फरमाया, वजह फरमाया कि बहुत सारे रेप केसेस हैं जिन पे अभी भी साइलेंस बरकरार है, और बहुत सारे रेप केसेस ऐसे भी हैं जो बाहर नहीं आते हैं। कन्विक्शन रेट जो है वो रेप में बहुत कम होती है। हमारी सोसाइटी एक डिनायल में रह रही है, हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जब मैं जेंडर की बात करती हूँ, जेंडर सिर्फ औरत नहीं है, जेंडर एक बच्चा भी है। क्या सोपोर में एक सिंगपोरा पटन साइड से, नॉट सोपोर, एक मौलवी है, मैं दिन में आज बात करी थी, मैंने मौलवी साहब कह दिया, साहब कहने के वो लायक नहीं है, एक मौलवी है, उन्होंने कंसिस्टेंटली मेल लोगों का, लड़कों का रेप किया है, एडोलेसेंट बॉयज का, और ये पिछले महीने ये बात खुली। फिर हमारा वुमेन्स कलेक्टिव इस केस को फॉलो कर रहा था, जब चालान आया, पुलिस ने जब चालान बनाया तो उसमें चाइल्ड रेप के बजाय क्या सेक्शन आया, 377 अननेचुरल सेक्स, जिसमें सजा बहुत कम है। हमारी सोसाइटी को जरूरत है ये समझने की कि रेप सिर्फ औरत के साथ नहीं हो सकता है, रेप बच्चे के साथ होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स भी होता है। रेप सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं करते हैं, रेप अपने भी करते हैं। जो सेक्स बेस्ड एजुकेशन है, सेक्स से जिसे हम कहते हैं, उसकी जरूरत है। हमें इस कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे समाज में चीजें नहीं होती है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। आज आसिफा का केस है, कल को किसी का भी केस हो सकता है, और मैं कहती हूँ, बार बार ये कहूंगी कि आसिफा का केस सामने आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो छुपे पड़े हैं, और जरूरत इस चीज की है कि इन इश्यूज से पर्दा उठे, सोसाइटी सामने आए, एक प्रोग्रेसिव स्टांस ले इस चीज को लेकर, और सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे केसेस में। जी इनाम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद बिलाल साहब के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। आप भी एमिनेंट टीवी पैनलिस्ट है, सिविल सोसाइटी की वॉइस है, आप पे भी ये इल्जाम लगेगा, क्या किया जा सकता है सिविल सोसाइटी को, टीवी डिबेट्स और एलीट, जैसे डॉक्टर साहब ने बचा फरमाया, एलीट होटल डिस्कशन से बाहर ग्रास रूट में लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? नहीं, वो एक इनर कॉल होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी पर थोप सकते। जब हमने 24 जनवरी को श्रीनगर में ये प्रोटेस्ट किया, हमने तो चौक और भी प्लान किया था कि हम किस तरह इसको सस्टेनेबल बना सकते ताकि और लोग इसमें ज्वाइन कर सकेंगे और लोगों को पता चलेगा। हम इंसानियत पर यकीन रखने वाले हैं। जब निर्भया का केस हुआ तो हम तो पहले वो एक्टिविस्ट थे जो दिल्ली में बैठे, हम तो 10 दिन दिल्ली में बैठे, हमने तो मजहब नहीं देखा। इंसानियत ना मजहब देखती है, ना कास्ट देखता है, ना कलर देखता है, ना क्रीड देखता है। इंसानियत के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है। अब जो लोग चुप बैठे थे तब वो उनकी इनर कॉल, मुझे लगता है कि उनका कॉन्शियस जो था वो डेड हुआ था। अब अगर किसी ने उनको जगाया, इट इज़ गुड, वी मस्ट वेलकम। अब साथ में जम्मू में भी अगर आवाज़ उन्होंने उठाई और उस तरीके से नहीं उठाई, उसकी एक वजह है कि जम्मू में जो मुसलमान हैं वो दबे हुए हैं, माइनॉरिटीज दबे हुए हैं। आपने देखा पिछली बार जब जसजीत की किलिंग हुई जून में, एक सिख लड़की की किलिंग हुई, जो किलर कॉप था उसको की प्रमोशन मिली। तो जहां सिखों की ऐसी हालत हो तो वहां मुसलमान वहां पर आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेकिन हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन हिंदू भाइयों की, कश्मीरी पंडितों की, जिन्होंने इसमें हमारे साथ शाना बशाना इसमें कैंपेनिंग की और इसमें आवाज़ उठाई, जिसमें खासकर उनकी जो वकील है दीपिका रावत साहिबा, उसने बड़ा अहम रोल किया। डिस्पाइट कि उसको थ्रेट्स मिले, वो पीछे नहीं हटी। या SSP रमेश जाला, उनको भी प्रेशर आया होगा क्योंकि एक सरकार जिनकी थी वो उन्हीं की, तो हिंदू एकता मार्च को पैट्रनेज थी, तो हमें उनकी उनका रोल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर सिविल सोसाइटी देर से जागी है, मुझे लगता है ठीक है, आगे आगे उनका ख्याल रखना चाहिए। ये खाली खुदा न खासा रेप इश्यूज पर नहीं, बाकी और भी मसले हैं जहां वो लेट से जाते हैं, लेकिन हमें
جو جو کانشیس پیپل ہوتے جن کا کانشیس زندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کوئی بھی پبلک ایشو ہوتا ہے کوئی کنسرن ہوتا ہے وہ خود بخود آگے بڑھ کر ان کو کسی چیز کی تھوپنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب اگرچہ اس المیہ میں یہ ایک بذات خود ایک المیہ ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ ایسے منسٹر صاحبان بھی ملوثین کے حق میں کھڑے ہو گئے. آپ اس تناظر میں محبوبہ مفتی کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم لوگ جوڈیشری کی بات کریں تو پاکستان میں جوڈیشری نے ایک مثالی فیصلے لیے ہیں. زینب کے کیس میں انہوں نے ڈیتھ پینلٹی ود ان 7 days دی ہے اور انہوں نے اپنے ہی سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈاؤن کر کے ان پہ لائف بین لگائی ہے. تو یہاں میں چاہوں گا کہ یہاں کی چیف منسٹر صاحبہ بھی ایسے پولیٹیشین کے اوپر لائف بین لگنی چاہیے جنہوں نے اس کو کمیونل کلر ریجنل کلر اور پولیٹیکل کلر دیا ہے. اور جو کہ سامنے آیا ہے وہ کس پارٹی سے ہیں کس سمودائے سے ہیں ان کے اوپر ایک لائف بین لگنی چاہیے. دوسرا میرا ایک پوائنٹ ہے جیسے ابھی منتشا جی نے بھی بات رکھی جموں کشمیر میں جیسے ادر پلیسز پہ ادر سٹیٹس میں ادر کنٹریز میں وہاں سول سوسائٹی ہر قانون بننے سے پہلے اور قانون بننے کے بعد قانون پہ انالیسس کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشن یہاں بہت ہی پریکٹس میں تھا, خاموش پریکٹس تھا کہ لیجسلیٹر بھی قانون بنانے میں ان کا بھی رول نہیں ہوتا تھا, صرف ٹھپا لگانے میں ان کا رول ہوا کرتا تھا, بلکہ کچھ پالیسی میکر جو قانون بنانے میں ماہر تھے اور وہ فارورڈ کرتے تھے اور وہی بنتا تھا. تو یہ ٹریڈیشن جے کے آر ٹی اے موومنٹ کی موومنٹ سے ٹوٹی کیونکہ آر ٹی اے کا قانون بننے سے پہلے ہم ہی نے ڈرافٹ دیا, ہم نے پھر ان کا جو فائنل ڈرافٹ بنا اس کو بولا کہ پبلک کر دو جو کہ 7 days تک پبلک ہوا. اور اسی لیے اس کو مثال لیتے ہوئے پورے ہندوستان میں ایک اور موومنٹ کھڑی ہوئی ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پری لیجسلیٹو کنسلٹیشن. کیا اگر ایم ایل اے اپنی کانسٹیچوئنسی جس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ کیا اس کے کانسٹیچوئنسی میں 4 نہیں ہوں گے کہ جو قانون پہ بات کر سکتے ہیں جو ان کو قانونی مشورے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں جتنے بھی قانون بنے ہیں جو پبلک آرڈر یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھتے ہیں ان میں پبلک اوپینین گھسانا بہت ضروری ہے. جیسے یہی لاز جو سیکشوئل ابیوز کو روکیں, جو کرائم اگینسٹ وومن کو روکے, یا ادر لاز جو اوور آل کرمنل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں سول سوسائٹی سے پوچھا جائے کہ اس میں سکوپ کیسے رکھا جائے. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ پولیس نے کچھ اور وہاں ڈالنا تھا پروویژن, اس نے کچھ اور ڈال دیا جس سے اس کی سزا کم ہو گئی. اور یہ عام لوگوں کو رمبیر پینل کوڈ جو جس کے ذریعے پولیس کام کرتی ہے یا جو پولیس کا مینیول ہوتا ہے اور جو پولیس کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لوگ بہت ہی لاپتہ ہیں. کتنے لوگوں کو میں آپ سے پوچھوں کہ 24 رجسٹرز مینٹین ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن میں؟ اگر آپ کا مسئلہ حل ایف آئی آر رجسٹر سے نہیں ہوگا تو بیٹ بک سے ہوگا, اگر بیٹ بک سے نہیں ہوگا رجسٹر 9 ہوگا جو کرمنل ریکارڈز مینٹین کرتی ہے, اگر اس سے یہ نہیں ہوگا تو پولیس مترا سے ہوگا. اور یہ ہمیں ایٹ لارج سوسائٹی کو یہ چیزوں کی پتہ ہونی بہت ضروری ہے. اور یہ ذمہ داری یہاں کے جو سول سوسائٹی گروپس ہے وہ چاہے وومن گروپس ہے وہ چاہے یوتھ گروپس ہے یا ادر سول سوسائٹی گروپس ہے ان کو لوگوں کو ان کے بارے میں جانکاری دینی ہے. جیسے ہم نے پچھلے سال پبلک سیفٹی ایکٹ کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور کیمپین ہم رستے پہ نہیں آئے, ہم نے آر ٹی آئیز فائل کی, سیریز آف آر ٹی آئیز فائل کی ود ڈی سیز ود ایس ایس پیز ود جوڈیشری اور ود ہوم منسٹری. تو پبلک سیفٹی ایکٹ کا ریکارڈ سامنے آیا کہ آج تک جو ڈی سی پبلک سیفٹی ایکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے آج تک اس کے رولز نہیں بنے ہیں 78 سے, ایس او پی نہیں ہے, پھر ڈی سی صاحب آپ کیسے لگاتے ہیں؟ وہ بولتے پولیس بنا کے لاتا ہے اور ہم ٹھپا مارتے ہیں. تو یہ بھی ڈیبیٹ میں ایڈ ہوگا آگے کہ کیا کرنا ہے, کیا اس ایکٹ کو جس کو مس یوز کر رہے ہیں. جیسے جوڈیشری میں ہائی کورٹ میں 900 سے زائد کیسز آئے ہیں اور 1000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں, ان میں 965 کیسز سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں, ان کو کاش کیا گیا ہے یعنی وہ فیک تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کا اس ڈرکونین لا کا کیسے مس یوز کرتی ہے یہاں کی پولیس, یہاں کی اتھارٹیز, یہاں کے ویسٹڈ انٹرسٹڈ لوگ. اور جب ایک گروپ ہم نے اویئر کیا انہوں نے اس پہ سوالات اٹھائے اور ابھی وہی
सजेशंस लेके हम गवर्नमेंट के सामने आएंगे, पॉलिसी मेकर के सामने आएंगे, जो चुनकर आता है उसको हम बोलेंगे कि हम जो कानून चाहते हैं वो उस पर आप ठप्पा लगाएंगे। तो ये मैं बहुत जरूरी समझता हूं, जो कानून बनने की प्रक्रिया है, कानून बनने का तरीका है, उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और हर एडवांस डेमोक्रेसी में ऐसी प्रैक्टिस होती है और यहां भी हम लोगों को इस चीज को लेना पड़ेगा। मंतशा जी, 2011 में एक सर्वे आया है, वो एक US बेस्ड एक राइटर ने किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब शुपियन का वो आसियानी लफर का वाका पेश आया था, उन्होंने 2011 में वो सर्वे निकाला, उन्होंने उसमें लिखा था कि इसमें जो सब मैनिपुलेट कर दिए गए हैं। देखिए बिलाल, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इसमें नहीं, मेरा कहने का मतलब कि खतरा लाहक है जी। अगर है तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या मेजर उठा सकते हैं जी? जहां तक मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्रेशर काफी बिल्ड हो चुका है इस केस में, नहीं, उसमें भी बहुत सारा पब्लिक प्रेशर हुआ था, इनफैक्ट उसमें तो डेथ्स भी बहुत हुई थी जी। इसमें मैं यही कह रही हूँ कि पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो चुका है, पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है, हम देख रहे हैं एक्शन हो चुकी है, स्टार्टिंग ऑफ टू मिनिस्टर जैसा कि मैंने पहले भी बोला, या ये बोलना कि अगर जो प्रेपरेटर ऑफ रेप है अगर वो माइनर भी है फिर भी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, गोइंग अप टू द यू नो लेवल ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो हम इमीडिएट रिजल्ट्स देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। और देखिए, जो चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाती है फिर उसमें एक खतरा तो रहता ही है कि जहां से पॉलिटिकल वेव होगी वहां की तरफ जाएगी। और कश्मीर बीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, देखिए ये कोई क्योंकि मैं इस वक्त किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूं, मैं अपने वुमेन्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हूं, ना कि गवर्नमेंट को, एंड इन माय पर्सनल कैपेसिटी भी मैं यही बोलूंगी कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इश्यूज होते हैं वो वहीं की तरफ जाते हैं जहां की तरफ पब्लिक सेंटिमेंट होता है, ये मेरा मानना है। और देखिए, जहां तक सिविल सोसाइटी का रोल है, किसी क्राइम पे हम बहुत एंथुसियाज्म के साथ सामने आते हैं, स्पेशली उन क्राइम्स में जहां पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स का रोल होता है, वहां पर एक स्पार्क ही आग लगा देती है। लेकिन कुछ इश्यूज में हम बहुत वक्त लगाते हैं सामने आने में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि 24 जनवरी को कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो सामने आई। तो ये जो फर्क रहता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ए पॉलिटिकल सोशल क्राइम्स, वैसे आसिफा वाला क्राइम भी ए पॉलिटिकल या सोशल, सिर्फ सोशल क्राइम नहीं है, सोशल क्राइम तो है ही, रेप का कॉन्टेक्स्ट है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का कॉन्टेक्स्ट है, चाइल्ड अब्यूज का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन साथ में रिलीजियस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड इश्यूज हैं। तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन है क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है फ्लो जा रहा है, थिंग्स सीम टू बी गोइंग ओके, और मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स ठीक है। नहीं, मैं बेसिकली एक ऐड करना चाहूंगा जो मंतशा जी ने बात कही, बेसिकली ये जो सारा मामला है, जैसे कि आपने बेवासा फरमाया कि क्या खदशा है कि जो एविडेंसेस है उनके साथ छेड़छाड़ हो, वो तो पहले ही दिन हमने देख लिया कि दो पुलिस वालों ने किस तरीके से एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। सो आई एम नो वे ऑप्टिमिस्टिक कि इसमें जस्टिस हो, बिकॉज देर आर पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के जीतने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सेटिस्फाई देयर हिंदूवाइज्ड फासिस्ट इलेक्टोरेट जो बन चुका है जम्मू में। तो उस वजह से चूंकि हमने जो एक हिस्ट्री रही है यहाँ पर जुडिशल प्रोसेस की और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, तो उनकी कोई अफादियत और कोई अहमियत आम लोगों की नज़र में नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस केस में भी जस्टिस डिलीवर होगी, तो आई एम टेकिंग दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डिस्पाइट कि यहाँ हमने देखा कि 2009 में जो आसिफा और रेप एंड मर्डर केस हुआ, सॉरी जो शुपियन डबल रेप एंड मर्डर केस हुआ, तो उसमें भी बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बना था, डेथ्स भी हुई थी जैसे आपने कहा, लेकिन डिस्पाइट दैट जस्टिस डिलीवर नहीं हुई और सीबीआई के पास केस चला गया एंड उन्होंने ये कहा कि दैट दे डाइड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज या इसमें रिवर नेट में फट के जो ड्राउनिंग। मुश्ताक साहब, आपके लिए मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि राइटर्स आर सपोज्ड टू बी द मिरर्स ऑफ सोसाइटी, आप भी एक खुद एक राइटर है, आपने एक दो किताबें भी लिखी है, आपके लिए उन राइटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जिन्होंने तो एक ट्रैफिक पुलिस अफसर के लिए बड़ी बड़ी तारीफें लिख दी लेकिन अभी तक इस मामले पे अपनी जुबान नहीं खोली? देखिए, यहाँ पर बेसिकली कोई राइटर ऐसा नहीं है कि जो लोगों की वॉइस बन सका, कोई शायर भी अभी हमारे यहाँ कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ अशआर उनके हैं जिनमें उन्होंने हमारा थोड़े दर्द की अक्कासी की है, अदरवाइज जितना सहन 47 से लेकर अभी तक कश्मीरी आवाम ने किया है, तो उस हिसाब से तो यहाँ हर गली और हर नुक्कड़ पे राइटर्स और
वो राइटर्स जिनकी कॉन्शाइंस हो, लेकिन यहाँ मेजोरिटी राइटर्स जो है वो लिखते इसीलिए है कि हमको स्टेट अवार्ड मिले, तो उस पर्पस के लिए यहाँ लिखा जाता है, वो हमारी बेसिकली अल्टीमेट एम होता है राइटर्स का। तो जहाँ तक आपके सवाल की अफादियत ये है कि राइटर्स का जो मिरर्स ऑफ सोसाइटी होती है, तो ऐसा कोई मसला है नहीं। यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो लिखते हैं, और मेजॉरिटी हमारे यहाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एक मामला है कि हम अपने पर्सनल मफादात से यहाँ ऊपर नहीं उठ पाए, फ्रॉम राइट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टिल अभी तक भी जितने भी लीडर्स हों, चाहे वट एवर स्टार्ट ऑफ ओपिनियन दे बिलोंग टू, वेदर रेजिस्टेंस और वेदर मेन स्ट्रीम है, उसमें ये नहीं कहूँगा, वो अपने पर्सनल मफादात से ऊपर नहीं जा पाए, तो उस वजह से उनका पर्सनल मफाद या सेल्फ जो है, या जिसको आप इस्लामी तनाजुर में तज़किया नफ्स कह सकते हैं, तो वो तज़किया नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सारी कौम को अपने पर्सनल मफादात के लिए होस्टेज रखा। और साथ ही साथ उस पर हमें बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी नहीं करना चाहिए, ये इस वजह से क्योंकि कॉन्शियस सोल्स जो है वो हर एक कम्युनिटी सोसाइटी माइनॉरिटी इथनिसिटी में हो सकते हैं। हमने देखा कि जैसे गुजरात में आप देख सकते हैं संजीव भट्ट, आर बी श्री कुमार है, इस तरीके के हर्षमंदर जैसे लोग जिन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टेट ब्यूरोक्रेसी से, और स्टेट के खिलाफ और मोदी का जो सारा वो कम्युनल कार्नेज था उसके खिलाफ वो खड़े हुए कुछ इस तरीके से स्टेट। इस मुझे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा इनाम को। इनाम, एक ये सवाल तो मैं करना नहीं चाहता, ये जहन में बात आई क्योंकि ये इस वक्त ताज़ादम मामला है कुठवा में जो है, दुनिया रो रही है इस पे। कुठवा से पहले भी हमने जम्मू कश्मीर में एपिसोड्स ऐसे देखे, खासकर कश्मीर वादी में हमने खून देखा इनोसेंट्स का, हमने रेप्स देखे, हमने मर्डर्स देखे, क्या क्या नहीं इस वादी ने देखा, आंखों की रोशनी बच्चों की चली गई, वो भी हमने देखा इन 3-4 सालों में। लेकिन एक जिसको आप आंसर कर पाएंगे, एक रेलिवेंट क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन जो उठता है, चाहे हम जैसे एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, उन पे सोसाइटी ने ये वैलिड इल्जाम लगाया, क्या आप किसी केस को अपने लिए पॉलिटिकल लैडर बनाते हो ताकि आप रूलिंग क्लास में घुसे, आप मिनिस्टर बने, आप मंत्री बने, क्या कैसे ये सोसाइटी उस कॉन्शियस को बचा सकती है, और हमारी जैसी सिविल सोसाइटी वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर सकती है कि नहीं, वी आर नॉट रेजिंग अवर वॉइसेस सो दैट टुमारो वी विल बी सीन इन पावर कॉरिडोर्स। बेसिकली उसके लिए लाजमन जरूरी है कि हमारे पास एक कॉमनलिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास 20 या 30 यहाँ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ नामों से कम एक ग्रुप बनना चाहिए, जिसमें से हर एक ऑर्गेनाइजेशन से एक एक बंदा रहना चाहिए, और उनको डिसाइड करना चाहिए जब भी ऐसा कोई वाक़ा पेश आता होगा जो जिसके लिए आप चाहे वो सड़कों पर निकलने की ज़रूरत पड़े, सेमिनार करना पड़े, कैंपेनिंग करनी पड़े, तो एक जो एमलगम रहना चाहिए एक इन सिविल सोसाइटी ये और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसको परस्यू करे। दूसरी बात जो अभी किसी दोस्त ने यहाँ कही कि मिनिस्टर्स को सैक किया गया, वो एक आई वॉश है। मिनिस्टर को सैक करना मतलब इफ दे हैव रिजाइन्ड दे हैव एक्सेप्टेड दैट उन्होंने वो गुनाह किया है। अगर उन्होंने खुद ही अब एक्सेप्ट भी किया है तो उनको सजा क्यों नहीं मिलेगी। दूसरी बात जो लॉयर्स की तरफ से वहाँ पर अड़चने डाली गई चार्जशीट फाइल करने के लिए, और जो धमकियाँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने दी, क्या नाम है, सलाह दिया, अगर आप यहाँ के बार एसोसिएशन को हक बोलने पर पीएसए लगा सकते हैं, उसको पाबंदी सलासत कर सकते हैं, आपने अभी तक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एफआईआर क्यों नहीं दिया? क्या वो 153A, 147, 148, 109, 124 ए आरबीसी के तहत प्रोवोकेशन और अनलॉफुल एक्टिविटीज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके तहत उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसके तहत उसकी लाइसेंस जो है कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्या उस पर पीएसए नहीं लगना चाहिए? ये दो तलवार हमेशा गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑनलाइन व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं वो बिलाल साहब पढ़ेंगे। ये चौधरी राबिया शफीक है, इन्होंने कहा है कि आसफा के केस के ठीक 3 महीने बाद उधमपुर में 4 साल का रेप हुआ और सूरत में 8 साल का रेप हुआ, क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल प्लान है बीजेपी का? आप में से कौन पैनलिस्ट लेना चाहेगा इस सवाल को? मैंने सवाल सुना नहीं। मैं आई कैन आंसर द क्वेश्चन प्लीज। पहले हमें ये भी नहीं मालूम है कि परपेट्रेटर्स कौन है इस रेप के, और जनरली वी कैन नॉट जंप द गन एंड कॉल एवरी रेप पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो भी एक मेरे ख्याल से विल बी स्ट्रेचिंग इट टू अनदर एक्सट्रीम।
देखिए आसिफा का जो केस है वो रिलीजियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको वो न कहना गलत है, लेकिन हर रेप को रिलीजियसली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहना गलत है. रेप खुद में एक बहुत बड़ा क्राइम है और रेप का जो बेसिक रीजन है वो किसी के कपड़े नहीं है. एक 8 साल बच्ची या 4 साल बच्ची किस टाइप के कपड़े पहन सकती है कि हमारी मर्दानगी प्रोवोक हो जाएगी. एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जो साउथ एशियन सोसाइटीज में या लार्जली ग्लोबली रेप का मतलब ही है एक औरत को कंट्रोल में रखना, एक वीकर जेंडर को. अब सिर्फ औरत की बात नहीं है, जब मर्द पे रेप होता है तो किसी को एक पावर डायनामिक्स, इसको हम जेंडर स्टडीज में कहते हैं, पावर डायनामिक्स प्ले पे होती है. यानी कि एक अगले बंदे को कमजोर समझना, इंसान ना समझना और उसके साथ कुछ भी करना इस हद तक कि यू कैन गेट अवे विद दैट. तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी अगर हम हर रेप को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहें. और आई डोंट नो आपके पास दूसरा सवाल आ रहा है या नहीं. Meanwhile, जब तक आपको सवाल पड़ेंगे, I wanted to add two quick points here, Rameez. हमने discussion ही blame game से शुरू किया. कभी हम मतलब अपने आप को blame कर रहे हैं, civil society is not doing enough. कभी हम blame कर रहे हैं state government को, कभी हम blame कर रहे हैं किसी और को. Society couples. बिल्कुल. मेरे हिसाब से you know politics of blame is easiest. I think we should politics of appreciation we should move on with that. I think we should conclude it. तो आज के इस प्रोग्राम का ये निचोड़ रहा कि सिविल सोसाइटी को अपने कॉन्शियस को जगाना पड़ेगा. जैसे इनाम साहब ने कहा, ये इनर कॉल अब लेनी पड़ेगी कश्मीरी समाज को कि हम एक अच्छी कोऑर्डिनेटेड सिविल सोसाइटी जो सिर्फ फायदों को ना देखे बल्कि स्ट्रगल को देखे, जो इनाम की बातों से आता है, दैट वी शुड नॉट बी आफ्टर लस्ट, वी शुड बी आफ्टर जेन्युइन स्ट्रगल. मुश्ताक साहब ने भी कहा कि पैट्रियार्की का भी वैलिड पॉइंट है, हमें दूसरों पे ही खाली छींटे नहीं लगनी चाहिए, खुद भी एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. डॉक्टर साहब ने भी कहा कि किस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, किस तरह से क्राइम को एलिवेट किया जा रहा है, क्रिमिनल को बचाया जा रहा है. उन्होंने बड़ी खूब भी मिसाल दी कि पाकिस्तान में अगर जैनब का केस इतना जल्दी हैंडल हो सकता है तो यहाँ पे स्टेट मशीनरी को क्या परहेज है कि वो इस क्रेज को फास्ट ट्रैक करे. मंतशा ने भी कहा कि अगर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है तो इसके खिलाफ लॉज नाम की कोई चीज़ ज़मीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो आज का ये निचोड़ है कि हमें अपने वर्ड्स को एक्शन में ट्रांसलेट करना होगा, तभी जाके इन हीनस क्राइम्स पे रोक रख सकती है. अगले एपिसोड तक वसलाम. थैंक यू.